चैप्टर 20 के आखिरी हिस्से में हम सबसे पहले देखेंगे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मदद से हम एटम का स्ट्रक्चर किस तरह मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हम लेज़र पढ़ेंगे, लेज़र किस तरह काम करता है और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस एमिशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, लेज़र एक्शन और आखिर में लेज़र के यूजेस। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक अगर आपको किसी चीज़ की पोजिशन पता है विद अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स और उसका मोमेंटम के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा पी है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप पोजीशन अच्छी फाइंड करेंगे तो आपको मोमेंटम सही नहीं पता होगा एंड वाइस वर्सा। इस प्रिंसिपल का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि हमें कैसे पता है कि एटम का न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकते हैं। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि एटम का न्यूक्लियस का साइज ऑन एवरेज 10^-14 मीटर्स होता है और जो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करें यानी एटम का साइज वो कम से कम हीलियम के केस में 10^-11 होता है, यानी हम कम से कम वाला केस देख रहे हैं। अगर वो हो सकता है तो फिर उससे ज़्यादा में भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो ये हमारे पास पोजीशन है। अगर हम इन दो वैल्यूज को एज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन लें तो हम इस चूंकि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो हम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम प्रोडक्ट है मास इनटू वेलोसिटी। इससे हम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम 10^-14 वाली वैल्यू लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजिशन में अनसर्टेनिटी इतनी है कि इलेक्ट्रॉन इसी न्यूक्लियस के अंदर ही है, इससे बाहर नहीं हो सकता, तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बड़ी आ जाती है, 3×10^10 आ सकती है और कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा मूव नहीं तेज करती अकॉर्डिंग टू अ लॉ ऑफ फिजिक्स। और फिर जब हम दूसरी वाली वैल्यू पुट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजिशन की अनसर्टेनिटी इस रेंज के अंदर है इलेक्ट्रॉन, तो फिर हमारे पास लेस देन स्पीड ऑफ लाइट आती है 3×10^8 के अराउंड, जो कि वैसे भी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो फिर इस तरह हमें यह पता है कि इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते हैं बल्कि उसके गिर्द ऑर्बिट कर रहे होते हैं। एन एटम इज सेड टू बी आयनाइज्ड व्हेन एनी ऑफ इट्स ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, इज रेज्ड टू अ हायर ऑर्बिट, कम्स टू द ग्राउंड स्टेट, इज कंप्लीटली रिमूव्ड। आयनाइज का मतलब होता है एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जब एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर से हट जाता है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज रिमूव होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वो एटम पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन का कम्प्लीटली रिमूव होना जरूरी है। तो इसका जवाब ऑप्शन डी है। लेजर एक्रोनम है लाइट एम्पलीफिकेशन, यानी लाइट की एम्पलीफिकेशन उसको ज्यादा करना थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कराते हैं मगर स्टिमुलेटेड तरीके से, यानी फोर्स कराना किसी चीज को, स्टिमुलेट कराना। लेजर एक डिवाइस होती है, लाइट का लाइट सोर्स होता है लेजर दरअसल, मगर ये किस तरह की लाइट एमिट करता है, मोनोक्रोमैटिक, यानी उसकी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है और स्ट्रेट लाइन में वो लाइट ट्रैवल करती है। लाइट अगर एक फ्रीक्वेंसी की हो तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है और इन फेज होती है, यानी उसके सब जो वेव्स होती हैं उस सबका हाईज और लोज एक ही वक्त में आते हैं और फ्रीक्वेंसी भी एक जितनी होती है और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं एज अ लाइट सोर्स, इसको ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। अ लेजर बीम इज नॉन कोहेरेंट, मोनोक्रोमैटिक, बोथ, नन। नॉन कोहेरेंट का मतलब है कोहेरेंट होता है जो इन फेज हो, तो वो कोहेरेंट होती है, नॉन कोहेरेंट नहीं होती। मोनोक्रोमैटिक वन फ्रीक्वेंसी, लेजर मोनोक्रोमैटिक होता है, बोथ और नन गलत। एटॉमिक न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में मौजूद होते हैं और जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में मूव करता है तो वो फोटोन एमिट करता है जिसको हम एक क्वांटम भी कहते हैं, और उस फोटोन की एनर्जी प्लैंक्स क्वांटम टाइम्स उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। और ये क्वांटम के अंदर कितनी एनर्जी होती है, जो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस होता है, यानी लोअर ऑर्बिट में एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी एनर्जी अगर ई के थी और हायर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई एल थी, तो जो क्वांटम एमिट होगा उसकी एनर्जी होगी ई एल माइनस ई के। इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, जब इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद बगैर किसी
ट्रिगर के हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लोअर ऑर्बिट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो वो अनस्टेबल होकर भी लोअर ऑर्बिट में आ सकता है, या अगर उसको लोअर ऑर्बिट में कोई खाली जगह मिले तो वो भी लोअर ऑर्बिट में आ जाता है। स्टिम्युलेटेड का मतलब होता है फोर्स्ड, किसी चीज़ को फोर्स करना। इस तरह की एमिशन तब होती है जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में है और वो लोअर ऑर्बिट में खुद से नहीं आ रहा, मगर हम इस एटम के ऊपर एक फोटोन इंसिडेंट कराते हैं जिसकी एनर्जी एग्जैक्टली इन दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है। यानी एक फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट कराया जिसकी एनर्जी EL माइनस EK के बराबर है। इसके नतीजे में क्या होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी में आएगा तो वो फोटोन एमिट करेगा, इसलिए क्योंकि जब वो हायर में होता है उसकी हाई एनर्जी होती है, जब वो लो में आता है तो वो उसको एनर्जी अपनी बाहर निकालनी पड़ती है, वो फोटोन की सूरत में बाहर निकालता है। और एक वो फोटोन था जो हमने इसके ऊपर एमिट कराया था, तो फोटोन के नतीजे में फोटोन एमिट हुआ और एंड पे हमारे पास दो फोटॉन्स हैं और दोनों की एनर्जी बिल्कुल एक जितनी होगी और वो इन फेज होंगे क्योंकि इन दोनों जो रेडियस हैं, ये जो ऑर्बिट्स हैं, इनके बीच में जो एनर्जी है वो हमेशा फिक्स्ड होती है और उतनी ही एनर्जी के दोनों फोटॉन्स होंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टिम्युलेटेड एमिशन। लेजर्स बनते हैं स्टिम्युलेटेड एमिशन से। हम इंसिडेंट कराते हैं फोटॉन्स और वो इलेक्ट्रॉन को फोर्स करते हैं वो नीचे वाले ऑर्बिट में जाएं, और एज अ रिजल्ट हमारे पास दो फोटॉन्स आ जाते हैं जो दोनों एग्जैक्टली एक ही फ्रीक्वेंसी के, एक ही जितनी एनर्जी और इन फेज होते हैं। हम चाहते हैं ये प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो और इसी प्रोसेस से मिलकर हमारे पास लेज़र लाइट आती है। तो हम ऐसा कैसे करा सकते हैं? इसके लिए हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन करनी पड़ती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है कि नॉर्मली एक एटॉमिक न्यूक्लियस में जो ऑर्बिट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर लोअर ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं क्योंकि स्टेबल होते हैं, और हायर ऑर्बिट्स में कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन ये है कि हम लोअर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स को हायर ऑर्बिट्स में मूव करा दें, इस तरह के हायर ऑर्बिट्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स हों और लोअर में कम हों। इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसका हमें फ़ायदा क्या होता है कि जब हमारे पास एक ऐसा न्यूक्लियस होगा, एक ऐसा एटम होगा जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट्स में होंगे, तो फिर जब हम इनके ऊपर लाइट इंसिडेंट कराएंगे, फोटॉन्स इंसिडेंट कराएंगे जिनकी एनर्जी एग्जैक्टली इन दोनों एनर्जी लेवल्स के दरमियान जितनी होती है होगी, तो फिर ज़्यादा फोटॉन्स एमिट होंगे इसके नतीजे में। जितने हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतने ही ज़्यादा फिर मेरे पास फोटॉन्स एमिट होंगे जो कि सब इन फेज होंगे और एक जितनी उनकी एनर्जी होगी। एक एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जो स्टेबल होते हैं, जो कि लोअर ऑर्बिट्स होते हैं, फिर कुछ ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जो मेटास्टेबल होते हैं। स्टेबल में इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा देर तक रह सकता है, मेटास्टेबल में कुछ देर तक रह सकता है, और फिर जो बिल्कुल आउटर ऑर्बिट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम देर तक रह सकता है, यानी 10^-4 seconds के अराउंड। अगर मेटास्टेबल में शायद वो 10^-3 या -2 seconds रह जाए और स्टेबल में इससे ज़्यादा देर तक। पॉपुलेशन इन्वर्जन हम इस तरह कराते हैं, अगर हम इन तीन लेवल्स को की एनर्जी को E1, E2 और E3 कहते हैं, तो हम पॉपुलेशन इन्वर्जन इस तरह कराते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स लोअर ऑर्बिट्स में हैं, हम इनके ऊपर ऐसे फोटॉन्स इंसिडेंट कराते हैं जिनकी एनर्जी E1-E3 है, यानी हम इनको इतनी एनर्जी दे रहे हैं कि ये थर्ड ऑर्बिट में चले जाएं। ये सब थर्ड ऑर्बिट में ये फोटॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे, इनके अंदर ज़्यादा एनर्जी आएगी, ये थर्ड ऑर्बिट में चले जाएंगे। थर्ड ऑर्बिट में जो अनस्टेबल है ये ज़्यादा देर तक नहीं रह सकेंगे, ये वहाँ से डीजेनरेट होंगे, लेकिन उनको मेटास्टेबल स्टेट मिलेगी तो ये मेटास्टेबल में रह जाएंगे। चूँकि अनस्टेबल में बहुत ही कम देर तक रह सकते हैं तो, और मेटास्टेबल में ज़्यादा देर तक रह सकते हैं तो, और हम सबको अनस्टेबल स्टेट में भिजवा रहे हैं, तो कुछ देर के बाद मेटास्टेबल स्टेट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे और अनस्टेबल में नहीं होंगे क्योंकि उसमें से फ़ौरन निकल जाते हैं, और स्टेबल में नहीं होंगे क्योंकि वहाँ से हमने उनको मूव करा दिया है और हमारी पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगी। अब हमारे पास एक ऐसा एटम है जिसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन हो चुकी है, अब हम इसके ऊपर ऐसे फोटोन इंसिडेंट कराएंगे जिनका एनर्जी लेवल E1 और E2 के दरमियान है। इससे क्या होगा कि वो वापस अपनी स्टेबल स्टेट में गिर जाएंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास एक वो फोटोन जो हमने भेजा था ये वाला, और एक फोटोन जो E1 E2 के बराबर है और उसके इन फेज है और सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एनर्जी है उसके। तो यूं जब फोटोन इससे टकराएगा
हमारे पास दो फोटॉन्स आ जाएंगे, फिर ये दो फोटॉन्स जाके मजीद दो एटम्स के साथ टकराएंगे, उनके मेटास्टेबल स्टेट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराएंगे और उनको स्टेबल स्टेबल वाले ऑर्बिट में मूव करा देंगे। ये फोटोन इससे टकराया, ये फोटोन इससे टकराया, मजीद दो फोटोन एमिट हुए और यूं एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ये फिर मजीद एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाके टकराएंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास लेजर लाइट आएगी, मोनोक्रोमैटिक कोहेरेंट सेम एनर्जी सेम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जिसको हम लेजर लाइट कहते हैं। हीलियम नियॉन लेजर एक बहुत कॉमन तरह का लेजर है। इसमें हम एक ट्यूब लेते हैं, गैस ग्लास ट्यूब, जिसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा होता है यानी शीशा लगा होता है और दूसरी साइड पे पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर यानी इसमें कुछ सुराख हो सकते हैं जिसमें से लाइट एस्केप कर सकती है। इस ट्यूब के अंदर 85% हीलियम गैस और 15% नियॉन गैस हम भर देते हैं। हीलियम और नियॉन की इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये है कि इन दोनों की इलेक्ट्रॉन्स जो मेटास्टेबल स्टेट में जब होते हैं तो उनको कितनी एनर्जी चाहिए होती है। हीलियम को चाहिए होती है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और नियॉन को चाहिए होती है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यानी ऑलमोस्ट एक जितनी चाहिए होती है। अब हम हीलियम को आराम से मेटास्टेबल स्टेट में ला सकते हैं और नियॉन को इतने आराम से नहीं ला सकते, नियॉन बहुत जल्दी अनस्टेबल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हीलियम को 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं, वो मेटास्टेबल में जाता है, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी 0.05 के अराउंड होती है। ये दोनों एनर्जीज मिलके नियॉन के मेटास्टेबल स्टेट जितनी एनर्जी बना देती हैं और फिर जब हीलियम एटम्स नियॉन से टकराते हैं तो वो अपनी 20.66 एनर्जी उसको ट्रांसफर करते हैं और वो मेटास्टेबल स्टेट में चला जाता है और फिर नियॉन अनस्टेबल होता है, मेटास्टेबल से फौरन स्टेबल स्टेट E1, ये मेटास्टेबल है, E2 है, E2 से E1 में आ जाता है और फोटोन एमिट करता है। ये जो फोटोन एमिट करता है वो रेड कलर का होता है और उसकी वजह से हमारा लेजर लाइट प्रोड्यूस होती है जो हमें नजर आती है। ये फोटोन इस एक रिफ्लेक्टिंग मिरर से टकराता है और फिर वापस रिफ्लेक्ट बैक होके दूसरे रिफ्लेक्टिंग मिरर से टकराता है। इस तरह ये इस ट्यूब के अंदर मुख्तलिफ चक्कर लगाता है अनटिल वो इस राइट वाले इस फेस के एक ओपनिंग में से बाहर निकल जाता है। ये लेजर है जहां से हमें लेजर लाइट मिलेगी, बाहर निकलेगी। हमने रिफ्लेक्टिंग मिरर्स इसलिए लगाए हैं ताकि एक फोटोन पहले उस ट्यूब के अंदर ही घूमता रहे और क्योंकि वो जब यूं घूम रहा होता है तो वो और इलेक्ट्रॉन से टकराता है और उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को की स्टिम्युलेटेड एमिशन होती है जो हमने लेजर एक्शन पढ़ा कि एक फोटोन फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, उनको स्टिम्युलेट कराता है, फिर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जिसकी वजह से एट द एंड हमें इस नॉन रिफ्लेक्टिंग वाले मिरर की ओपनिंग में से कोहेरेंट लाइट मिलना शुरू हो जाती है। हीलियम नियॉन लेजर्स आर यूज्ड फॉर द, ये सबसे कॉमन तरह के लेजर्स हैं और इनको ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। लेजर्स की वजह से दुनिया में बहुत ज्यादा नई टेक्नोलॉजीज बनी जिनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है क्योंकि लेजर लाइट सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मेडिसिन के अंदर इसके बहुत ज्यादा यूजेस हैं जिसमें लेजर से स्किन की ट्रीटमेंट होती है, आंखों की इलाज होता है वगैरह वगैरह। इसके अलावा लेजर को सिविल वर्क्स या कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि लेजर लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो उसको हम सर्वेइंग और लेवलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एंटरटेनमेंट में लेजर की मदद से होलोग्राफिक शोज कराए जा सकते हैं जिसके अंदर आप एक थ्री डायमेंशनल इमेज हवा में क्रिएट करते हैं जो कि सिर्फ लेजर लाइट से होता है और आपको लगता है कि थ्री डायमेंशन में कोई चीज मौजूद है मगर वो सिर्फ लाइट्स का इफेक्ट होता है। प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग थ्री डायमेंशनल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग लेजर बीम इज कॉल्ड होलोग्राफी।